नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज हम बात करेंगे डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरीज क्या है? डिक्शनरीज को समझने के लिए एक्चुअल डिक्शनरी जो हम यूज़ करते हैं उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरीज में क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसके मीनिंग होते हैं। तो सभी पेजेस में आप एक वर्ड और मीनिंग होता है। या फिर दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपके टेलीफोन का फ़ोन बुक, इसमें क्या होता है, एक नाम होता है और उसके साथ लिंक्ड एक नंबर होता है। इसी तरह हजारों नंबर हो सकते हैं, लाखों नंबर हो सकते हैं। डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स होते हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस बन सकता है। तो डेटा कलेक्शन का ये सिस्टम है, इसको डिक्शनरी बोलते हैं। हम डेटा स्टोर करने का और भी सिस्टम कर चुके हैं इससे पहले। जैसे हम वेरिएबल में सपोज नेम लिखते थे और इसमें हम नेम सेव करते थे, तो ये वेरिएबल है एक नेम, और इसमें हमने स्टोर किया एक नाम, और नंबर भी हम स्टोर करते थे इसी तरह से। ये हम कर चुके हैं। और फिर हमने टपल्स भी किया है, और जिनको टपल्स के बारे में नहीं पता उनको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप टपल्स के बारे में समझने के बाद फिर वापस इस वीडियो लेसन में आ सकते हैं। वैसे इस वीडियो को समझने के लिए टपल्स को समझना ज़रूरी नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ कि टपल्स हमने यूज़ किया था, जिसमें हमने डेटा स्टोर किया था, और डेटा स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल नेम लेते हैं सपोज टप वन, और इसमें हमने सिंपल ब्रैकेट यूज़ करके हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते थे। तो एक से ज़्यादा डेटा यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें टपल यूज़ करना पड़ा, जो कि वेरिएबल में नहीं हो सकता था, वहाँ सिंगल कर रहे थे। या टपल में हमने पहले सीखा है कि बिना ब्रैकेट के भी हम टपल क्रिएट कर सकते हैं, और हमने ये भी सीखा है कि इनके हम डेटा टाइप्स कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए है टाइप यूज़ करना होता है डेटा टाइप के लिए। टाइप सपोज हमें नेम के बारे में जानना है कि ये किस तरह का डेटा टाइप है, और डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। रन करते हैं, और ये स्ट्रिंग है, ये हम कर चुके हैं, आपको पता है इसके बारे में। और अब हम चेक करते हैं नम, दूसरा वेरिएबल नम। नम का डेटा टाइप क्या है? नम, इसको रन करते हैं, और ये है इंट, इंटीजर। इसी तरह हमने फ्लोट भी कर रखा है। अगर एक हम फ्लोट ले लेते हैं जस्ट फॉर रिविजन सेक, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा आपका। रिविजन में कोई बुराई नहीं, बल्कि रिवाइज जितना कर सको उतना अच्छा है। ये फ्लोट हो गया डेसिमल नंबर। तो डेटा टाइप, टाइप फंक्शन या मेथड, ये हमें बताती है कि वो क्या। अगर हम टपल्स में देखते हैं, टपल्स का पहला है टप वन, और इसका डेटा टाइप देखते हैं, इट इज टपल, राइट। तो अब हम समझना चाहते हैं डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरी और कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने की एक प्रोसेस है। चलो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं, इतना को इसको ऊपर ले लेते हैं, कट। ऑल राइट, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, डिक्शनरी कैसे क्रिएट होता है? डिक्शनरी फॉर एग्जांपल, डिक्शनरी का नेम हो गया एक नेम, जैसे वेरिएबल नेम लेते हैं, एग्जैक्टली सेम है। और टपल्स में हम, या ट्यूपल्स में, कुछ लोग ट्यूपल्स कहते हैं, कुछ टपल्स कहते हैं, आपकी चॉइस है। हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ट्यूपल्स में सिंगल ब्रैकेट यूज़ करते थे, फर्स्ट ब्रैकेट भी कहते हैं उसको,
और यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और इसका फॉर्मेट होता है, पहले आएगा की, सपोज की वन, फिर कोलन और फिर इसका वैल्यू वन। ये एक सेट हो गया की और उसका वैल्यू। जैसे डिक्शनरी से कंपेयर करें, एक वर्ड है और उसका मीनिंग है। अगर फोन बुक से कंपेयर करें तो एक नाम है और उसका टेलीफोन मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर है। तो फिर कॉमा देके दूसरा की टू कोलन वैल्यू टू। इसी तरह हम जितने मर्जी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू थ्री, राइट। तो ये इस तरह से ये फॉर्मेट है डिक्शनरी को डिफाइन करने का। ऑलराइट, तो अब हम चलो अब हम तीन डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया, एक्चुअल डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। और पहला डिक्शनरी हम लेते हैं फोन बुक, फोन बुक, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। और फोन बुक में पहला वैल्यू हम ले लेते हैं, ऑब्वियसली नाम आएगा विंसी और मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर है इसमें हम कोट्स यूज नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग्स में हम कोट्स यूज करेंगे, सिंगल भी कर सकते हैं डबल भी कर सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं तीसरा ले लेते हैं ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफ़ी है। ये हमारा एक फ़ोन बुक डिक्शनरी बन गया। अब एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं हम, चिल्ड्रंस बुक, सपोज चिल्ड्रन अंडरस्कोर बुक और कर्ली ब्रेसेस और ए फॉर एप्पल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हम कोट्स यूज करेंगे, फिर कॉमा, बी बी फॉर सॉरी कोट्स यूज करना है, बी फॉर बॉल, सी सी फॉर कैट। इतना काफी है अभी के लिए। नेक्स्ट और एक कर लेते हैं हम नंबर लिस्ट, किसी भी चीज का एक नंबर लिस्ट कर लेते हैं, वन कोलन पेन, चलो पेन, टू कोलन, क्योंकि नंबर है वन टू, इसमें कोट्स यूज नहीं करेंगे, नोटबुक थ्री, लैपटॉप फोर, टीवी, ठीक है। तो हमने तीन डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। अब ये डिक्शनरी है हमें कैसे पता चलेगा, इसका टाइप हम चेक करेंगे। तो आपको पता है टाइप चेक करना है, टाइप और वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम पहला ले लेते हैं फोन अंडरस्कोर बुक, और इसका डिस्प्ले आउटपुट करना है, आउटपुट करना है तो डिस्प्ले के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको पास करेंगे, रन करेंगे, ये इसे कमेंट करना, ठीक है। और एरर जब भी आता है तो आप एरर को ज़रूर देखिए, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। एरर आपका सबसे बड़ा टीचर एरर मैसेज है। एरर मैसेज को जितना आसानी से समझ पाएंगे आप, उतने ही आसानी से आप कोडिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने रन किया ये एरर आया, और एरर का है
एरर का नेम एरर है और लाइन नंबर मेंशन हुआ, लाइन नंबर देखते ही आप एरर तक आ सकते हैं। 11 नंबर लाइन में ये एरर दिखा रहा है और एरर क्या है, नेम एरर, और इसमें है नेम टॉप वन इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि टॉप वन का जो हमने ये वेरिएबल लिया था उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, तो वो वेरिएबल अब एग्जिस्ट नहीं करता प्रोग्राम के लिए, ये कमेंट है, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो और टॉप वन है नहीं और हम प्रिंट करने को बोल रहे हैं कि प्रिंट टॉप वन टाइप प्रिंट करो, तो इसीलिए एरर मैसेज है और ये बता रहा है इज नॉट डिफाइंड, तो इसे हम कमेंट आउट कर लेंगे। राइट, तो यहाँ अब रन करते हैं इसको, तो आप जैसे देख रहे हैं क्लास क्या है, डिक्ट, डिक्ट मीन्स डिक्शनरी, ये डिक्शनरी है। उसी तरह हम चिल्ड्रन बुक भी देख सकते हैं, रन करते हैं, ये भी डिक्शनरी और नम लिस्ट भी डिक्शनरी, तो ये तीनों डिक्शनरी क्रिएट हो गया। तो डिक्शनरी समझ गया आप कैसे क्रिएट करना है, की वैल्यू होगा, की होगा और उसका वैल्यू होगा, की होगा वैल्यू होगा, की होगा वैल्यू होगा। ऑल राइट, अब हम इस डेटा को एक्सेस कैसे, डेटा को स्टोर तो कर दिया हमने, स्टोर कर दिया, डिक्शनरी क्रिएट कर लिया, डेटा स्टोर कर लिया, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे टेलीफोन में हम जाते हैं, नाम को क्लिक करते हैं, नंबर डिस्प्ले हो जाता है, उसको बोलते हैं डेटा एक्सेस करना। तो एक्सेस कैसे करेंगे, या ए प्रेस करेंगे तो एप्पल आना चाहिए, बी प्रेस करेंगे तो बॉल आना चाहिए, या जो तीसरा डिक्शनरी है वन प्रेस करेंगे तो पेन, थ्री करेंगे तो लैपटॉप, तो इसको एक्सेस करना कहते हैं। तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने का प्रोसेस है, जो फॉर्मेट है, अब मैं इसको इसकी ज़रूरत नहीं, इसको चलो कमेंट आउट कर देता हूँ, किसी को फाइल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ये फाइल भेज दूँगा। फाइल नेम है डिक्शनरी वन और इस नाम से आप मुझे कमेंट करना, मैं ये फाइल आपको मेल कर दूँगा। तो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैं कमेंट पे लिख देता हूँ, डिक्ट मतलब डिक्शनरी नेम, जो भी डिक्शनरी नेम होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन है, फोन बुक, चिल्ड्रन बुक और नम लिस्ट, तो डिक्शनरी नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर आएगा की, की जैसे विंसी हो गया पहले वाले में, दूसरे डिक्शनरी में ए वन, सारे देख सकते हैं, विंसी, इति, रवि, ये सारे की है पहला डिक्शनरी का, ए बी सी की है दूसरे डिक्शनरी का, और वन टू थ्री फोर की है थर्ड डिक्शनरी का। तो की प्रेस करेंगे तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, चलिए एक्सेस करके देखते हैं। पहला ले लेते हैं फोन बुक का की हम डालते हैं, सपोज इति, और इसमें इसको रन करते हैं, ऑब्वियसली एरर आएगा, और एरर क्यों आ रहा है मुझे पता है, पर आपको मैं एरर मैसेज दिखाना चाहता हूँ। तो एरर ये बता रहा है लाइन नंबर 9, करेक्ट, लाइन नंबर 9 में एरर है, और ये एरर क्या है, नेम एरर है, नेम एरर मीन्स यहाँ जो नेम यूज कर रहे वहाँ पे एरर है, और नेम इटी इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में हम कोट्स यूज करना होता है जो हम यूज नहीं कर रहे, राइट। चलिए अब रन करते हैं, तो ये रन हो गया, फिनिश हो गया, कोई एरर नहीं आया, लेकिन डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है, रिजल्ट इसका, आउटपुट इसका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट यूज नहीं किया। तो प्रिंट के अंदर लेते हैं सबको, प्रिंट, राइट, और अब प्रिंट करते हैं। सो इति की को हमने जैसे ही एक्सेस किया तो उसका नंबर डिस्प्ले हो गया, हमें जो नंबर था वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरह हम चिल्ड्रन बुक को, अगर चलिए इसके बाद लिख देता हूँ मैं, चिल्ड्रन बुक स्क्वायर ब्रैकेट ए सी, चलो सी कर लेते हैं, और तीसरा भी कर लेते हैं, नम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट टू,
यहाँ पे कोट्स यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नंबर है। चलिए ये इनको प्रिंट के अंदर ले लेते हैं, इसे भी ले लेते हैं। ऑल राइट, अब हम रन करते हैं तो तीनों का आ रहा है, ईटी का आ रहा है जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रहा है। कैट सी, सी फॉर कैट हमने बताया था तो उसका भी वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। और नम लिस्ट का टू हमने एक्सेस करना चाहा तो टू का वैल्यू है नोटबुक, तो नोटबुक भी डिस्प्ले हो रहा है। ऑल राइट, बहुत सिंपल है तो इसको एक्सेस करना। तो अब हम देखते हैं कि सपोज हम यहाँ आ जाते हैं, इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ये रन नहीं होंगे। प्रिंट नम लिस्ट, नम लिस्ट में सपोज क्या होता है, अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं नम लिस्ट में हमारे पास 4 डेटा सेट है और हमने 5 एक्सेस करना चाहा तो क्या होगा। रन करते हैं, ये एरर, एरर क्या है, की एरर, इसी याद रखिए की एरर, की यहाँ पे की का एरर है, लाइन नंबर 11 की एरर है, तो ये बता रहा है की एरर 5 जो है वो की एरर है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, ऑल राइट, तो ये हो गया एरर की बात। अब हम आते हैं ऐड करने के, इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये सारा हो गया, इसका हेडिंग लिख देता हूँ मैं एक्सेसिंग डेटा, ठीक है, फ्रॉम डिक्शनरी। राइट, अब हम करेंगे कि अगर हमें इस डिक्शनरी में हमें और डेटा ऐड करने हैं, जैसे फोन बुक में और नंबर ऐड करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो एडिंग डेटा टू डिक्शनरी, राइट, ऑल राइट, तो ये भी बहुत सिंपल है। डिक्शनरी में डेटा ऐड करना, पहले इसका फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट आएगा डिक्ट लिखता हूँ, तो डिक्शनरी नेम ऑफ द डिक्शनरी, और फिर उसके बाद आ जाएगा की, और उसके बाद आ जाएगा इक्वल टू न्यू वैल्यू, जो भी न्यू वैल्यू हमें ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। राइट, तो अब हम इसको करते हैं फोन बुक को, तो पहले डिक्ट हो गया फोन बुक, फोन बुक और की, क्योंकि यहाँ रवि है तो उसके बाद में की ले देता हूँ अमर, राइट, और इक्वल टू इसका टेलीफोन नंबर लिख देता हूँ। राइट, ठीक है, अब इसको हमें प्रिंट करना है, ये ऐड हुआ या नहीं प्रिंट करके देखेंगे तो पता चलेगा। प्रिंट क्या करना है हमने, फोन बुक जो है उसको प्रिंट करना है, पूरा का पूरा डिक्शनरी प्रिंट करना है। तो हम सिंपल प्रिंट डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, इसको रन करते हैं और ये पूरा का पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया। और इसमें हम देख सकते हैं कि अमर जो हमने अभी ऐड किया वो ऐड हो गया इस डिक्शनरी में। राइट, सिंपल है, और एक ऐड कर देते हैं चिल्ड्रन बुक में की ए बी सी तो हो गया, डी ऐड करते हैं और यहाँ पे कोट्स के अंदर लिखते हैं डॉग, ठीक है, और इसको प्रिंट किसको करेंगे, क्या देखना है, चिल्ड्रन बुक को प्रिंट करते हैं और रन करते हैं। तो पूरा का पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया चिल्ड्रन बुक, और उसमें डी फॉर डॉग ऐड हो गया।
इसी तरह नम लिस्ट में, नम लिस्ट, और इसमें क्योंकि नंबर है की तो फोर तक हो चुका है, फाइव, फाइव नंबर पे हम वैल्यू डालेंगे एयर कंडीशन एसी, ठीक है, और प्रिंट करेंगे इसको नम लिस्ट डिक्शनरी को, नम लिस्ट को रन करेंगे और ये नम लिस्ट डिक्शनरी पूरा का पूरा प्रिंट हो गया और इसमें फाइव नंबर पे एसी भी ऐड हो गया, राइट। तो ये तो रहा ऐड करने का, अब इनको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ऑल राइट, अब हम आते हैं रिप्लेस करने का, हाउ टू रिप्लेस। तो रिप्लेसिंग डेटा ऑफ अ डिक्शनरी, राइट। रिप्लेस करने का पहले फॉर्मेट ले लेते हैं, रिप्लेस करने का फॉर्मेट भी वही है जो ऐड करने का है, सेम है, डिक्ट डिक्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर की और फिर वैल्यू, राइट, सेम है। चलिए हम रिप्लेस करके देखते हैं, पहले फोन बुक का, फोन बुक डिक्ट, डिक्ट हो गया डिक्ट, पहले डिक्ट आएगा फिर की आएगा फिर इक्वल टू फिर वैल्यू आएगा, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर की मैं लिख देता हूँ, सपोज ये इटी जो है ये नंबर गलत है, मुझे चेंज करना है, इटी इक्वल टू, अब मैं नंबर दे देता हूँ, ये न्यू नंबर है, राइट। और अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ, आप चाहो तो पूरा का पूरा प्रिंट कर सकते हो, फोन बुक रन करते हैं, एरर आएगा, एरर क्या है, इटी नेम इज नॉट डिफाइंड, फिर वही गलती, कोट्स यूज नहीं किया। ऑल राइट, अब रन करते हैं, ओके तो यहां आप देखेंगे नंबर, पहले ये नंबर था, अब डिक्शनरी में ये नंबर हो चुका है, तो ये नंबर अपडेट हो गया है, जो फ्रेश डिक्शनरी है उसमें ये नंबर ऐड हो चुका है, अपडेट हो चुका है, राइट। तो और सपोज हमें सिर्फ जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रिंट पूरा डिक्शनरी कर रहे हैं, सपोज हमें सिर्फ यही देखना था इटी का अपडेट हुआ या नहीं, तो प्रिंट हम सिंपल क्या करेंगे, डिक्शनरी नेम लिखेंगे पहले, फोन बुक, और इसमें हम लिखेंगे इटी, राइट, और इसको रन करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये पहला प्रिंट जो था पूरा डिक्शनरी को प्रिंट करने का था, और दूसरा प्रिंट जो है वो सिर्फ ईटी डेटा को हमने एक्सेस करना है, तो वो डेटा दिखा रहा है कि ये नंबर चेंज हो चुका है, राइट, ओके। ये तो रहा रिप्लेस करने का, और अब आते हैं डिलीट करने पे, तो इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब डिक्शनरी से डेटा हम डिलीट कैसे करेंगे, ऑलराइट, तो डिलीटिंग डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी, राइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट भी हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट होगा, कमांड यूज करेंगे डेल, डेल कमांड यूज करेंगे डिक्ट, डिक्शनरी का नाम और फिर यहां पे आएगा की, राइट, ये फॉर्मेट है। इसी तरह हम सपोज नम लिस्ट ले लेते हैं, तो डेल नम लिस्ट और फिर की डालते हैं थ्री, हम कोट्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि नंबर है, और इसको रन करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट पूरा का पूरा डिक्शनरी करेंगे, तो नम लिस्ट, राइट। अब इसको रन करते हैं, तो ये जो नया डिक्शनरी आया आप देख सकते हैं इसमें थ्री मिसिंग है, क्योंकि थ्री डिलीट हो चुका है,
थर्ड जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह हम डिलीट, यहाँ पे मैं बता दूँ अगर यही प्रोसेस हम ट्यूपल के साथ करते तो एरर मैसेज आता, ट्यूपल एलिमेंट्स को डिलीट करना अलाउ नहीं करता, और इसीलिए उसे इम्यूटेबल कहा जाता है, वो उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर ट्यूपल के बारे में जानना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि ट्यूपल इज इम्यूटेबल। और डिक्शनरी, क्योंकि यहाँ हम चेंज कर सकते, डिलीट कर सकते, ट्यूपल में ना चेंज कर सकते ना डिलीट कर सकते, यहाँ आइटम इंडिविजुअल आइटम्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं और उसे हम अपडेट भी चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए ये म्यूटेबल कहा जाता है। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ये याद रखिएगा, डिक्शनरी इज म्यूटेबल, राइट, जिसको चेंज किया जा सकता है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि डिक्शनरीज के साथ काम करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स या फंक्शंस अवेलेबल है। मेथड चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है आप dir कमांड यूज करेंगे, dir और उसके बाद डिक्शनरी नेम, ये इसका सिंटैक्स है, और इसको आउटपुट करने के लिए प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये सिंटैक्स है, ऐसे ही आपको लिखना है। से फॉर एग्जांपल पहला डिक्शनरी ले लेता हूँ, फोन अंडरस्कोर बुक, तो लिखेंगे हम प्रिंट dir और डिक्शनरी नेम है फोन अंडरस्कोर बुक, और इसको हम रन करेंगे। तो ये जो अंडरस्कोर आ रहे हैं दोनों तरफ, इनको मैं अभी दूसरे क्लासेस में इसको कवर करूंगा, अभी हम मेथड्स कवर कर रहे हैं। तो मेथड जिनमें अंडरस्कोर नहीं है वो आपके मेथड्स हैं। तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेथड्स यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से सेकंड लाइन में ले लेता हूँ और कमेंट क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये मेथड्स है हमारे पास जो हम डिक्शनरी के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे, सबसे पहले है क्लियर। क्लियर क्या करता है, अब अगर ये पता करना है आपको कि क्लियर करता क्या है, तो उसके लिए कमांड है हेल्प और फिर डिक्शनरी नेम डॉट मेथड नेम, ये इसका सिंटैक्स है, इसको मैं, ये सिंटैक्स है, तो ये ठीक है, यहां ले लेते। तो अगर हमें अब देखना है क्लियर मेथड जो है वो क्या है, उसका डेफिनेशन देखना है, तो हेल्प डिक्शनरी नेम कोई सा भी ले लेंगे हम, फोन बुक डॉट क्लियर, क्लियर मेथड, और इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ डेफिनेशन मिल जाएगा। क्लियर मेथड क्या है, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी, तो डिक्शनरी से सारे आइटम्स को रिमूव कर देगा। चलिए तो फिर हम एक ले लेते, ये पहले चेक करते हैं इसमें क्या आइटम है, दिख रहा है फिर भी चेक कर लेते हैं, फोन बुक, तो इसको चेक करने का है, फोन बुक को हम प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो ये
फोन बुक में ये सारे आइटम्स अभी है। अब हमने इसको क्लियर करना है, तो क्लियर करने का सिंटैक्स जो है क्लियर का सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम, जो भी डिक्शनरी पे जिस पे भी आपको यूज करना है, डॉट क्लियर ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स है। अब हमने यूज करना है इसको, ये सारे हटा देते, और हमने यूज करना है इसको डिक्शनरी नेम फोन बुक डॉट क्लियर, ये हो गया। और उसके बाद हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट फोन बुक, और इसको रन करेंगे। तो आप देखिए ये एम्प्टी डिक्शनरी दिखा रहा है। तो अब जो ये फोन बुक डिक्शनरी है ये एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि हमने क्लियर मेथड यूज किया, क्लियर मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है कॉपी का सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम और फिर कॉपी ब्रैकेट, और हम चेक करेंगे पहले इसका डेफिनेशन क्या है। तो हेल्प डिक्शनरी नेम ले लेंगे कोई सा भी, फोन बुक तो अभी खाली है, तो हम दूसरा चिल्ड्रन बुक ले लेते हैं, चिल्ड्रन बुक डॉट कॉपी, इसको रन करते हैं। और यहाँ पे बता रहे एशवेलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी, तो ये क्या करेगा, ये कॉपी क्रिएट करेगा हमारे डिक्शनरी का। तो ये चिल्ड्रन है, चलिए तो इसको जैसे कि सिंटैक्स मैंने बताया वैसे यूज करेंगे, और इसको एक, चलिए मैं डिक्शनरी नेम है चिल्ड्रन बुक डॉट कॉपी ब्रैकेट, और इसको हम एक वेरिएबल भी सेव कर लेते हैं क्योंकि कॉपी बन रहा है उसका, तो कॉपी को हम एक वेरिएबल सपोज एक्स इसमें सेव कर लेते हैं, और फिर प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स। तो एक्स में क्या आता है, कॉपी बनता है यानी वो देखेंगे। तो इसको रन करते हैं, और ये जो चिल्ड्रन बुक है उसका ये कंटेंट था, और अब जो उसका कॉपी एक्स एक्स वेरिएबल में आ गया है वो है, वो हमने प्रिंट एक्स करके देखा है वो भी सेम है, तो ये कॉपी हो गया। तो कॉपी मेथड जो है वो एक डिक्शनरी को दूसरे डुप्लीकेट डिक्शनरी अगर बनाना हो तो आपके आपके पास ये है, आप इसी के साथ प्रिंट कर सकते हैं चिल्ड्रन बुक भी, तो आपको दोनों के कंटेंट दिखाएंगे, दोनों सेम है, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है फ्रॉम कीज मेथड। फ्रॉम कीज मेथड जो है फ्रॉम कीज मेथड का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स होगा डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज ब्रैकेट कीज कॉमा वैल्यू। ये वैल्यू जो है ये ऑप्शनल है, ये आप लिख भी सकते हैं, ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। हेल्प चिल्ड्रन बुक फ्रॉम कीज, और इसको रन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है फ्रॉम कीज का, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम इटरेबल एंड वैल्यूज सेट टू वैल्यू। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, तो जैसे कि हमने एक पहले ट्यूपल सम कर चुके हैं, तो एक ट्यूपल्स ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल एक्स ट्यूपल्स के लिए ये फर्स्ट ब्रैकेट की वन
की 2, की 3, तीन आइटम ले लेते हैं और एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं और इसका वैल्यू 0 लिखते हैं। तो ये क्या फ्रॉम कीज क्या करेगा, जो ट्यूपल है ट्यूपल को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा। तो वो कैसे करेगा, सिंटेक्स हम यूज करेंगे। तो डिक्शनरी, पहले डिक्शनरी नेम चिल्ड्रन बुक डॉट फ्रॉम कीज, फ्रॉम कीज आ जाएगा, पहला होगा कीज x, ये x का है तो पहला हम ले लेंगे x और उसके बाद वैल्यू, ये ऑप्शनल है, वैल्यू ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते y, तो वैल्यूज। तो अब क्या करेगा ये कि पहला जो ट्यूपल है इसके सारे आइटम जो डिक्शनरी हमारी बनेगी उसके कीज बनेंगे और उनके वैल्यू जो है वो ये दूसरा जो वैल्यू हमने असाइन किया 0, ये 0 जो है सभी कीज के वैल्यू बन जाएंगे डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। अब ये जो नया डिक्शनरी बन रहा है इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू डिक्ट और फिर न्यू डिक्ट को प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट न्यू डिक्ट, वैसे रन करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रन करता हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि ये ट्यूपल है x, x ट्यूपल के सारे एलिमेंट जो है ये जो नया डिक्शनरी बना है उसके की बन गए, की 1, की 2, की 3 और जो वैल्यू हमने दिया था वो वैल्यू हो गया इसके वैल्यू, कीज के वैल्यू। अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैल्यू नहीं देते हैं ओनली एक्स करते हैं तो क्या होता है, तो क्योंकि जैसे मैंने कहा था वैल्यूज जो है वो ऑप्शनल है, अगर वैल्यू नहीं देंगे तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, बस ये नन वैल्यू करके उसको स्टोर करेगा, नया डिक्शनरी क्रिएट करेगा। अब हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है एक और एग्जांपल लेते हैं, हम रेंज लेते हैं और फॉर्मेट डिक्शनरी नेम चिल्ड्रन, सॉरी डिक्शनरी नेम डिक्ट, कोई भी ले लेते हैं डिक्ट फ्रॉम कीज, फ्रॉम कीज और हम यहाँ पे यूज करेंगे रेंज, रेंज से 1 to 9 रेंज यूज किया। रेंज अगर रेंज के बारे में आपको पता नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा रेंज के वीडियो में, उस वीडियो में जाके आप रेंज के बारे में सीख सकते हैं। तो रेंज का वैसे मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि रेंज जब हम डालते हैं तो ये क्या करेगा, इस रेंज में वो कीज जनरेट करेंगे 1 2 3 4 अप टू 9 ये क्रिएट करेगा और इसको हमने वैल्यू दे दिया सपोज 100। तो ये क्या हो रहा है कि फ्रॉम कीज हम एक रेंज से, रेंज क्या है ये कीज बनेंगे, रेंज ये सारे 1 2 3 ये सारे कीज बनेंगे और उनके वैल्यूज क्या होंगे, 100 उनके वैल्यूज होंगे। ये डिक्ट क्योंकि हम डिक्शनरी यूज करें या फिर हम डिक्ट ना यूज करके एक ब्लैंक डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, ये एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगा और इसकी जो डिक्शनरी बनेगी उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, से फॉर एग्जांपल डिक्ट 1 और फिर हम डिक्ट 1 को प्रिंट करेंगे, प्रिंट डिक्ट 1, ठीक है रन करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 1 जैसे रेंज है 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रेंज के चैप्टर में आप जब जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जो लास्ट आइटम होगा वह उसको एक्सक्लूड करेगा, जो पहला आइटम है इसको इंक्लूड करेगा, लास्ट आइटम को एक्सक्लूड करेगा और उससे पहले स्टॉप हो जाएगा। तो ये रेंज होगा और इस रेंज में ये रेंज का सारा की बन जाता है डिक्शनरी का, और जो वैल्यू है वो हर की का वैल्यू बन जाता है। इस तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, दैट मींस इट्स अ डिक्शनरी। अगर आपको फिर भी पता करना हो, जैसे मैंने बताया है, अगर आपको डाउट हो तो आप यूज कर सकते हैं टाइप डिक्ट वन, इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट रन करेंगे, सो इट्स अ डिक्शनरी। ये डिक्शनरी हमने क्रिएट कर लिया रेंज के साथ। तो ये हो गया। अब हम आते हैं गेट, गेट गेट मेथड या गेट फंक्शन। इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी होगा उसका नाम आ जाएगा, फिर गेट, और फिर इसके अंदर आएगा की, कौन सा की यूज करना है। और गेट के बारे में अगर डेफिनेशन चाहिए तो गेट इसको रन करेंगे, ये बता रहा है रिटर्न द वैल्यू फॉर की इफ की इज इन द डिक्शनरी एल्स डिफॉल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि हम इसको यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, पेस्ट। तो ये डिक्शनरी जो है हमें अगर कोई आइटम एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं, वो आप पहले देख चुके हैं कि डिक्शनरी नेम और फिर हम की नेम यूज करते हैं। इसको प्रिंट के अंदर ले लेंगे और इसको रन करेंगे, एरर आ गया। क्या एरर है? नेम एरर, नेम एरर लाइन नंबर 12, लाइन नंबर सॉरी, इसको हमने कमेंट करना है। राइट, ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूं एक बार। लाइन नंबर 12 में ये एरर आ रहा है, और एरर है नेम एरर। नेम एरर मींस ये जो नेम है ये बता रहा है चिल्ड्रन बुक, ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है क्यों बोल रहा है? ये डिक्शनरी का है फिर डिफाइंड नहीं है क्यों बोल रहा है? अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता तो ये बोलता है कि डिफाइन नहीं है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये लाइन जो है ये पहले आ रहा है, उसके बाद हम ये डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। पहले ऊपर था, मैं उसको नीचे लेके आया, तो हेल्प जो कमांड है उसके नीचे आ रहा है। तो यहाँ तक जब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम रन करता है, इस स्टेप पे आते हुए देखता है कि ये तो है ही नहीं, तो ये एरर मैसेज दे देता है। अगर ये इसके नीचे होता और फिर हम रन करते तो यहाँ कोई एरर नहीं आता, और ये इस गेट मेथड का डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, ओ अभी के लिए इसको हम ऊपर ही ले लेते हैं और इसको कमेंट कर देते ताकि ये रन नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमें एक्सेस करना है, सपोज बी का वैल्यू क्या है, बी, तो इसको रन करेंगे और ये बता देगा बॉल। ठीक है, ये एक्सेस करने का तरीका है। ये सेम पर्पस, सेम चीज हम गेट मेथड यूज करके कर सकते हैं। और
इसका जैसा मैंने इसका सिंटेक्स दिया, पहले डिक्शनरी नेम आएगा डॉट, फिर गेट आएगा और फिर की आएगा, की बी ले लेते हैं और इसको हम प्रिंट करेंगे। डिस्प्ले चाहिए हमें आउटपुट में और इसको रन करेंगे तो ये सेम चीज़ ये वही कर रहा है जिस तरह से हम पहले एक्सेस करते थे सी को कैट। ठीक है, अब इसमें एक बात और है कि सपोज मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ जो कि हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं और इसको रन करता हूँ, एरर मैसेज आना चाहिए लेकिन एरर मैसेज नहीं आ रहा है। ये बता रहा है नन, सिर्फ नन बता रहा है कि नहीं है, कोई एरर मैसेज नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, की के बाद कॉमा और कॉमा के बाद हम एक डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं, से फॉर एग्जांपल नॉट फाउंड, और अब हम रन करते हैं तो ये बताएगा कि नॉट फाउंड, तो मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज आना सही रहता है कि ये ऑब्जेक्ट है नहीं, और अगर है तो फिर ये नॉट फाउंड को ओवरराइड करेगा, जो एग्जिस्ट करता है वही डिस्प्ले करेगा। से फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं और इसको रन करते हैं तो ये एप्पल दिखाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गेट फंक्शन। अब हम आ जाएंगे आइटम्स का सिंटैक्स है आइटम्स और ब्रैकेट, डिक्शनरी नेम फिर आइटम्स और फिर ब्रैकेट, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसका हम डेफिनेशन चेक करते हैं। चिल्ड्रन बुक डिक्शनरी नेम ले लिया और इसमें आइटम्स का डेफिनेशन क्या है, सॉरी चिल्ड्रन बुक शायद मैंने डिलीट कर दिया, चिल्ड्रन बुक आप देख सकते हैं इज नॉट डिफाइंड, मैंने चिल्ड्रन बुक डिक्शनरी डिलीट कर दिया, तो अंडू कर लेते हैं। इसे डिलीट करना था और डिक्शनरी इसको यहां रख देते हैं, राइट, उसके बाद हेल्प रन करेंगे और ये आइटम्स इसको रन करते हैं और ये बता रहा है आइटम्स का ये सेट लाइक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग ए व्यू ऑन डिक्शनरीज आइटम्स, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है इसी को लेंगे, इसमें आप देख रहे हैं एक ये एक की है और की का वैल्यू, डेट मीन्स ये सारे पेयर्स है, राइट, ये की और वैल्यूज के पेयर्स है और की और वैल्यूज के पेयर को सेपरेटली दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आइटम्स, तो इसको हम कमेंट करेंगे ताकि ये रन ना हो और उसके बाद हम इसी में इसको इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स इज डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स और फिर ब्रैकेट, तो डिक्शनरी का नाम है चिल्ड्रन बुक डॉट आइटम्स ले लिया, और इसको हम क्योंकि ये पेयर वैल्यूज क्रिएट करेगा तो इसको हम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और फिर उस वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे, रन करते हैं। ये देखिए तो ये क्या आ रहा है, ए एप्पल एक पेयर आ गया वैल्यू की और वैल्यू का, बी बॉल सी कैट, तो ये अलग ब्रैकेट में ये पेयर्स को अलग सेपरेटली ये दिखा रहा है, राइट, तो ये हो गया आइटम्स। आइटम्स के बाद अगला मेथड है कीज, और
कीज का सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम कीज। अब जब जैसे अब मैं करता जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सारे जो मेथड्स है उसको यूज करने का जो सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे। पहले डिक्शनरी नेम आता है, फिर डॉट आता है, और फिर मेथड का नेम आता है, राइट। ओके, तो हम इसको रिमूव करते हैं और पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है चिल्ड्रन बुक, ले लिया डिक्शनरी डॉट कीज, इसको रन करते हैं। और यहाँ बता रहे सेट लाइक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑन डिक्शनरीज कीज। तो अब क्या किस चीज पे होगा, कीज के बारे में, तो ये कीज को बताएगा। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं पहले तो, और इसको रन करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, पहले डिक्शनरी नेम आ गया, फिर डॉट आ गया, फिर कीज आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, और इसको वो कि हम एक दूसरे वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और उस वेरिएबल को हम डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे, राइट। अब रन करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ कीज को डिस्प्ले कर रहा है। जो की मेथड है वो सिर्फ कीज को डिस्प्ले करेगा, ए बी सी कीज को डिस्प्ले करने के लिए की मेथड यूज होगा, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉप। पॉप और इसका सिंटेक्स है पॉप का डिक्शनरी डॉट पॉप, और इसके अंदर आएगा की नेम और डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। की नेम और डिफॉल्ट वैल्यू हम इसमें डालेंगे। सपोज सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन चेक करते हैं, पॉप, ठीक है, रन करते हैं। ये बता रहा है रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, इफ की इज नॉट फाउंड डिक्शनरी इज रिटर्न्ड इफ गिवन, अदरवाइज की एरर इज रेज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉप एक्चुअली उस एक तरह से उसको पिक करने का मेथड हो गया कि किसी भी एक आइटम को हम पिक कर रहे हैं डिक्शनरी से, और डिक्शनरी से जब पिक कर रहे हैं तो वहां पे वो नहीं होगा, ऑलमोस्ट लाइक कट पेस्ट की तरह होगा, वहां से रिमूव होके हम कहीं और उसको स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उसका सिंटैक्स यूज करेंगे, पहले डिक्शनरी नेम डॉट पॉप, और हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल पहले की नेम, की ले लेते ए, राइट, ए ले बी ले लेते बीच का ले लेते बी, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है, और इस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, राइट। तो क्या है, रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो इसका इसको रिमूव करेगा और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, राइट। और अगर इफ ये इस पे बाद में आएंगे, पहले ये हो गया, फिर एक्स को प्रिंट करेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये रन ना हो। अब हम रन करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, अगर इसके साथ हम अपने कंप्लीट डिक्शनरी को भी प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, पॉप बी, पॉप बी मींस बी आइटम जो है उसको यहां से रिमूव कर रहा है, हमारे मेन डिक्शनरी से बी जो की है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी वो रिमूव कर रहा है, और उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो
वहां से उठा के हमने कहा था एक्स में स्टोर करना, हमने इसको कहा था एक्स में स्टोर करना, तो हमने एक्स को प्रिंट किया, ये एक्स में ये बॉल जो इसका इसकी का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको उसने एक्स में स्टोर किया, जो एक्स प्रिंट होते ही हमें दिखाता है बॉल, राइट। और पूरे डिक्शनरी को स्टोर प्रिंट करते हैं तो दिखाता है कि बी यहाँ से मेन डिक्शनरी से हट गया है, राइट ओके। और अब पॉप के बाद आ गया अगला फंक्शन है आइटम, पॉप आइटम। पॉप आइटम का जो सिंटैक्स है वो है पॉप आइटम, राइट। अब इसका हम ये सारा रिमूव कर देते हैं और इसका सबसे पहले तो डेफिनेशन चेक करते हैं। पॉप आइटम रन करते हैं, इसका है पेयर रिटर्न्स इन लिफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, लिफो ऑर्डर में पेयर रिटर्न्स इन लिफो ऑर्डर, ठीक है। तो रेजेस की एरर इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी, ओके। तो सबसे पहले तो ये डिक्शनरी का हम एक बार रन कर लेते हैं, हाँ रन हो चुका है क्योंकि अब भी वापस आ गया है, क्योंकि हमने वो जो पॉप वाले कोड थे वो हमने रिमूव कर दिया और ये रन हो गया दोबारा, तो ये फिर से ये आ गया। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, प्रिंट पूरा डिक्शनरी चेक कीजिए, प्रिंट कर देते हैं, इसको कमेंट करते हैं और रन करते हैं, तो अब बॉल भी है, ये पूरा है। चलिए फिर हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी नेम, जो इसका सिंटैक्स है, डिक्शनरी नेम इज चिल्ड्रन बुक डॉट पॉप आइटम ब्रैकेट, राइट। और उसके बाद हम इसे भी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। आप इसको रन करते हैं, रन हो गया, फिनिश, कोई एरर नहीं, डिस्प्ले नहीं है क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया, प्रिंट वाई, राइट। तो लिफो जो है ये जो आइटम है, लास्ट आइटम जो होगा उसको वो पॉप आइटम उसको वहां से पिक करेगा, उस मेन डिक्शनरी से वो रिमूव करेगा और जहां हमने स्टोर करने को कहा है वहां पे स्टोर करेगा, बिल्कुल कट पेस्ट जो हम करते हैं कंप्यूटर में नॉर्मली, कट पेस्ट हो रहा है वहां से कट करके इसने जिस वेरिएबल में हमने रखने को बोला वहां पे रख लिया। हम अगर पूरा डिक्शनरी प्रिंट करते हैं, रन करते हैं और डिक्शनरी में अब जैसा देख रहे हो सी जो लास्ट आइटम है वो मिसिंग है, वो नहीं है, तो लास्ट पेयर जो है उसको वो वहां से पिक करेगा और पिक करके जो भी वेरिएबल में हम मेंशन करेंगे वहां स्टोर करेगा। तो ये थे हमारे सारे मेथड्स जो हम डिक्शनरी के साथ, डिक्शनरी डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। हमने सारा कवर कर लिया, क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स, कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट वैल्यूज, ये रह गए, ओके। तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, सेट डिफॉल्ट, राइट, सेट डिफॉल्ट। तो सेट डिफॉल्ट का जो सिंटैक्स होगा वो होगा डिक्शनरी नेम आएगा सबसे पहले, फिर आएगा सेट डिफॉल्ट और फिर की नेम, की जो भी की यूज हो, की नेम और वैल्यू। यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है, हम चाहे तो वैल्यू दे सकते हैं, चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन चेक करते हैं,
चिल्ड्रन बुक, ठीक है, डॉट सेट डिफॉल्ट, राइट। इसको रन करते हैं और ये है इंसर्ट की विद द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी। सॉरी, ये रिटर्न द वैल्यू फॉर की इफ की इज इन द डिक्शनरी एल्स डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसको हम एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, उससे ये हो जाएगा। तो सिंटेक्स के हिसाब से आप लिखेंगे पहले डिक्शनरी नेम डॉट और उसके बाद आएगा सेट डिफॉल्ट और उसके बाद आ जाएगा की नेम। की सपोज मैं ले लेता हूँ ए, की नेम ए स्ट्रिंग है, कोट्स यूज करना पड़ेगा, कॉमा और एक वैल्यू दे देता हूँ मैं, चलो एक वैल्यू दे दिया मैक्स, ओके। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। रन करते हैं, इसको हमें कमेंट करना है, इसको रन नहीं करना अभी, इसको रन करते हैं। ये क्या आ रहा है? सेट डिफॉल्ट ए इज, हमने क्या वैल्यू दिया था? एक्स, बट इसका ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये जो एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू उसी को डिस्प्ले करेगा। ए का वैल्यू एप्पल है। अगर सपोज हम एक ले लेते हैं डी, डी फॉर डॉग, ये वैल्यू जैसे हमें पता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको हम रन करते हैं तो ये क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो ये वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। और इसका इफेक्ट हमारे डिक्शनरी पे क्या पड़ रहा है? हमारे डिक्शनरी पे ये वैल्यू ऐड हो चुका है, मेन वैल्यू जो मेन डिक्शनरी है हमारा उसमें ये वैल्यू ऐड हो चुका है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग अगर वैल्यू है तो उसको वो छेड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको वो ऐड करेगा डिक्शनरी के साथ, राइट। तो ये हो गया हमारा सेट डिफॉल्ट। अब अगला जो मेथड है वो है अपडेट, अपडेट, अपडेट। और अपडेट का सिंटेक्स है डिक्शनरी का नाम डॉट, फिर आएगा अपडेट और फिर आएगा इटरेबल, इटरेबल में आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये भी अपडेट, ये भी ऐड ही करेगा और इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखेंगे अपडेट, इसको रन करते हैं। तो ये है इफ ई इज प्रेजेंट एंड हैज अ की मेथड देन डज फॉर के इन ई, इफ ई इज प्रेजेंट एंड लैक्स ए की मेथड देन डज दिस, इन आइदर केस दिस इज फॉलोड बाय फॉर के इन एफ। अब ये क्या है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम जो सिंटेक्स की तरह यूज करते हैं, सिंटेक्स है डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट और यहाँ पे हम एक डिक्शनरी पेयर लेते हैं, ठीक है, और इसमें दोनों ही डालते हैं, की भी डालते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता, अब मैंने रिमूव कर दिया, तो डी कोलन
उसके बाद हम प्रिंट करते हैं चिल्ड्रन बुक। ये पूरा डिक्शनरी हम प्रिंट करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, रन करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अब हमारे डिक्शनरी को अपडेट कर रहा है, राइट। ये जो हमने ऐड किया उसको ये अपडेट कर रहा है। ऑलराइट, तो अब लास्ट फंक्शन बच गया वो है वैल्यूज। वैल्यूज का सिंटैक्स भी है, डिक्शनरी नेम आएगा पहले और फिर वैल्यूज ब्रैकेट, राइट। अब पहले इसका डेफिनेशन हम करते हैं। तो ये है इफ ही इज प्रेजेंट एंड हैज ए की, सॉरी अपडेट का रहा है, ये आना है वैल्यूज। इसका है एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑन दीज वैल्यूज, ठीक है। तो ये किस पे आएगा, क्या व्यूज आएंगे, वैल्यूज का। सो ये जैसे कीज था उसका ऑपोजिट है, कीज फंक्शन हमने यूज किया, कीज मेथड, कीज मेथड में कीज डिस्प्ले करता था और वैल्यूज में ये वैल्यूज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं और हम जैसे हमने सिंटेक्स दिया वैसे डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज, राइट। और इसको हम सेव करेंगे एक वेरिएबल में और उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। अब इसे रन करते हैं। तो ये जो वैल्यूज है सिर्फ उनको डिस्प्ले कर रहा है इन ए फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा मैं, बस ये जान लीजिए कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है तो उसे लिस्ट कहते हैं। उसका डिटेल वीडियो भी मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा। तो ये सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा वैल्यू मेथड। तो ये थे, अब हमने सारे मेथड्स कवर कर लिए हैं और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ऐसे जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, इन मेथड्स को यूज़ करते जाएंगे, क्लैरिटी वैसी बनती जाएगी। अभी इनके यूजेस मैंने सिंपल तौर पे आपको यूजेस बताए हैं कि किस तरह से यूज़ करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तब इनको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, इनके यूजेस समझने को, इनके डिफरेंसेस समझने को, ये सारी आसानी होगी। अब आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से यूज़ हो रहा है और आगे जैसे जैसे आएगा आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं सबके रिप्लाई दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ा तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर डाउट है तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको पोस्ट करूँगा। थैंक यू।